स्वागत है बच्चों आपका अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म YouTube चैनल YouTube क्लासेज आपका अपना जिसका नाम है MZ क्लासेज। और आप यहां देख पा रहे हैं आज आ चुका है बड़ी खुशी खुशी हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए कि जिसका इंतज़ार आपको रहता है जिस चीज़ का जिसके लिए आप पढ़ते हैं और आपको बहुत परेशानी होती है कि कैसे क्या करें, तो जी हाँ वही सिलेबस आ चुका है। जी हाँ सिलेबस आ चुका है, तो जी हाँ सिलेबस आ चुका है क्लास 9 से लेके 12। जी हाँ आप देख सकते हैं कि क्लास जो ये आपका आया है सिलेबस, इसको लाने वाला कौन है? देखिए ये है प्रथम द्वितीय सार्वधिक परीक्षा यानी कि T1+T2, टर्म 1 टर्म 2। देखिए कक्षा 9 से 12 शैक्षणिक सत्र 2022-23। जी हाँ न्यू सिलेबस है 2022 से 23 है। और क्या है क्लास 9 टू 12 9 से 12। तो सिलेबस आ चुका है, सिलेबस को रिलीज किया है JCERT में। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा कि आप डायरेक्ट लिंक में जाएं और सिलेबस डाउनलोड करें। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसमें भी जाके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और देख सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बीच में जो सूचना है खबर लाए हैं हम, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिलेबस में क्या है, ये सिलेबस सिर्फ क्लास 10 के लिए है, ये सिलेबस सिर्फ क्लास 10 के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 10 का सिलेबस देखिए शैक्षणिक पाठ का। हाँ चलिए थोड़ा जूम करते हैं, जूम थोड़ा हो नहीं रहा है, हो जाएगा, थोड़ा परेशानी होता है। चलिए तो थोड़ा प्रॉब्लम था इसीलिए जूम नहीं हो रहा था, अब जूम होगा। हाँ चलिए तो देखिए हिंदी एक एक चैप्टर का बनाएंगे हिंदी। देखिए क्लास 10 जिन बच्चों का हिंदी है, देखिए सिलेबस टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 कब होता है आप लोग समझ लीजिए कि टर्म 1 होता कब है। आप लोग पहले भी दे चुके आपके सीनियर 9 में कि टर्म 1 होगा आपका नवंबर से दिसंबर में, टर्म 2 होगा आपका मार्च अप्रैल में। चलिए हो गया, अब समझ गए टर्म 1 नवंबर दिसंबर, टर्म 2 मार्च अप्रैल, हो गया। चलिए नीचे आप सिलेबस को पूरी जानकारी के साथ पढ़ते हैं। क्लास 10 हिंदी, चलिए पहला हिंदी का टर्म 1 टर्म 2। क्षितिज पाठ्य पुस्तक, ये टर्म 1 में भी, हाँ क्षितिज जो आपका बुक है हिंदी का 2 पार्ट है, ठीक है, एक क्षितिज है और उसका एक क्या नाम है, हम लोग तो उतना याद नहीं रखते हिंदी तो, लेकिन आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्षितिज से क्या आता है, तो काव्य खंड जो भी आपका गाने वाला है, तो टर्म 1 में सूरदास पढ़ लीजिए, तुलसीदास पढ़ लीजिए, 5वां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्सव अट नहीं रही है ये पढ़ लीजिएगा, गद्य खंड। अब ये जो गद्य खंड है उसमें क्या है, तो चलिए उसमें भी हम देखते हैं गद्यांश लिखने वाला, स्वयं प्रकाश राम वृक्ष बेनीपुरी यशपाल माता का आंचल जॉर्ज पंचम की नाक, व्याकरण में क्या पढ़ना है, ये सब आपका गद्य खंड है, ठीक है, तो पढ़ने की चीज है। व्याकरण में भी देख लेते हैं, तो व्याकरण में आपका क्रिया भेद अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया अनेकार्थी शब्द अवयव, ठीक है, समूह के बोधक वाक्य मिश्र वाक्य, ये सब आपको वाक्य बनाना है, मिश्र वाक्य बनाना है। समास में आपको अभिभाव समास पढ़ना है, तत्पुरुष समास कर्मधारय समास, वाच में कर्तरीय वाच कर्मवाच और भाववाच पढ़ना है, अपठित बोध गद्यांश और पदांश भी पढ़ना है। चलिए तो पद्यांश, उसके बाद आपको टर्म 2 में क्या पढ़ना है, तो देखिए टर्म 2 में आप क्षितिज का पुस्तक निकालिए, यानी कि ये है आपका नवंबर वाला और ये है आपका मार्च वाला, क्या समझ गए, ये है आपका नवंबर वाला,
और ये है आपका मार्च वाला। तो क्षितिज में काव्यखंड देखिए, नागार्जुन आपको लास्ट में पढ़ना है फाइनल में, या दंतुरित मुस्कान फसल ये गिरिजा कुमार माथुर का है, छाया मत छूना ये आपको फाइनल में पढ़ना है, ऋतुराज का कन्यादान फाइनल में पढ़ना है, मंगलेश डबरान संगीतकार फाइनल में पढ़ना है। अब गद्यांश में क्या पढ़ना है, चलिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मनु भंडारी, यतीन्द्र मिश्रा, कृतज्ञ पाठ पुस्तक, साना साना हाथ जोड़ी, तो ये आपको फाइनल में पढ़ना है। व्याकरण फाइनल में क्या है, स्थानवाचक, कालवाचक, क्रिया विशेषण, विस्मय बोधक, निपात, ये सब पढ़ना है। समास पढ़ना है, द्विंगु समास, द्विंद समास, बहुव्रीहि समास, सब फाइनल में। निबंध पढ़ना है, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन और गद्यांश, ये भी आपको पढ़ना है। तो आपको सभी चीज का मिलेगा वीडियो फाइनली, अब हम आपको बता दे रहे हैं। हिंदी भी जो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं कि उनको क्या पढ़ना है, चलिए उनके लिए चलिए, ये है आपका नवंबर और ये है आपका मार्च, यानी कि नवंबर और दिसंबर, मार्च और अप्रैल। स्पर्श देखिए, पदखंड कबीर, मीरा, बिहारी लाल, मैथिली, शरणगुण, सुमित्रा नंदन, ये आपको टर्म वन में पढ़ना है। टर्म टू में क्या पढ़ना है, वीरेन गंडवाल, कैफी आजमी, रविंद्र ठाकुर, यानी कि आपको कह सकते हैं कि टर्म टू में 3 चैप्टर पढ़ना है और आपको टर्म वन में 5 चैप्टर पढ़ना है, हो गया। अब इसी में गद्यखंड में क्या पढ़ना है, देखिए प्रेमचंद, लीलाधर मंडलोई, निदा फाजली, ये आपको पढ़ना है स्टोरी में। फिर टर्म टू में रविंद्र केलकर, हबीब तनवीर, आपको 2 पढ़ना है फिर इधर 3 पढ़ना है, यानी 5+3 इधर हो गए 8 और इधर 3+2 हो गए 5, यानी कि आपको टर्म वन में बहुत अधिक पढ़ना है। चलिए एक और बुक है जो पढ़ते हैं, संचयन, अरे यहाँ भी संचयन, मिथिलेश्वर गुरुदयाल सिंह, ये आपको 2 पढ़ना है। अब संचयन में पढ़ना है राही मासूम रजा, ये आपको सिर्फ टर्म टू में पढ़ना है, टर्म वन में मिथिलेश्वर गुरुदयाल 2 पढ़ना है। अब व्याकरण में क्या पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, हाँ, प्रीफिक्स सफिक्स प्रीफिक्स ये जो होता है ना, आगे जोड़ना पिछू जोड़ना, ये संधि पढ़ना है आपको, शब्द पद और पदबंध में अंतर, विलोम शब्द, पर्यावाची शब्द, अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये पढ़ना है। और टर्म टू का क्या पढ़ना, संयुक्त वाक रचना, अपठित गद्यांश, पद्यांश। चलिए तो फिलहाल जो मिलाकर हम आपके बीच में हिंदी बी का रख दिए, ठीक है, अधिक जानकारी के लिए वीडियो में बने रहे और वीडियो को पॉज ना करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए ये था हिंदी बी। तो संस्कृत वाले बच्चों के लिए, संस्कृत वाले बच्चे मैनेज करेंगे अगर थोड़ी बहुत पढ़ने में दिक्कत हो जाए गलती, तो टर्म वन में आपका देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 पढ़ना है, यानी कि देखिए सूची पर्यवर्णम, ठीक है, बुद्धि बर्लवती सदा, व्यायाम व्यायाम सर्वदा, पथ्य शिशु लालनम में, जननी तुलसी वत्सला, अन सुभाषनी तानी, तो ये आपको पढ़ना है टर्म वन में। इधर आपका है सौहार्द्र, हाँ देखिए प्रकृति, हाँ प्रकृति शोभा, विचित्र या तो विचित्र साक्षी, तो ये आपको पढ़ना है सुक्ता या ना, देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये चैप्टर के नाम है संस्कृत में, ये आपको पढ़ना है 2 में और इधर पढ़ना है 1 में, समझ गए। चलिए अब ये अपठित अवबोधम, अपठित अवबोधम, तो आप इसमें क्या क्या पढ़ना है, हाँ बोलता है कि अपठित गद्यांशों पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना और सरल गाथसाम आधारित कार्यक्रम, सरल कथा, घटना वर्णन, वो आपको पैसेज आएगा और उसी पैसेज को देख के बनाना है, या एक फोटो आएगा उसको देख के बनाना है, ठीक है, वहीं से भरना है। सेम चीज आज को टर्म टू में भी करना है। तो यह रचना कार्यक्रम, संकेताधारिम, औपचारिक पत्रम, चित्राधारितम, वर्णम, अनुच्छेद लेखम व केवल नेत्रहीन भय,
अब इसमें जो भी आप संस्कृत के टीचर से कांटेक्ट कीजिएगा तो रचना कार्य में आपको बता देंगे। इधर भी रचना कार्य है, संकेत आपको अनौपचारिक, और संधि में देखिए ये व्याकरण होगा तो परकरम है, स्वर संधि, दीर्घ गुण, बुद्धि गुण, यदि, पूर्व रूपम, व्यू अनसंधि, ठीक है। तो ये आपको सभी संस्कृत में पढ़ना है। समास पढ़ लीजिएगा, परकरम है, ये समास टू में भी पढ़ना है, संधि परकरम वन में भी, टू में भी। तो जो भी आपको सिलेबस की जानकारी होगी वो पूरी तरह से यहाँ है, आप उस सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए तो यही था। अब हम लोग सबसे आपका फेवरेट, जी हाँ फेवरेट में आ चुके हैं, चलिए मैथ्स, बच्चों का फेवरेट मैथ्स, मैथ भी न चैन कहाँ रहे जल्दी। तो चलिए टर्म वन में क्या पढ़ना है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, ये सब आपको टर्म वन में पढ़ना है। अब टर्म टू में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये है आपका द्विघात समीकरण, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति, और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि 9 पॉइंट, हाइट एंड डिस्टेंस कह सकते हैं, ये सब आपको पढ़ना है टर्म टू में। चलिए और नीचे चलते हैं, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ तो आपको उसमें क्या, अर्थमेटिक मतलब समझते हैं, अर्थमेटिक देखिए अर्थ से ए और प्रोग्रेशन से पी यानी ए पी, चैप्टर 5 पढ़ना है अभी टर्म वन में, ट्राइंगल यानी कि 6 पॉइंट अभी, सर्कल यानी कि 10 अभी, एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी कि यही आपको मिले 11, 7 नहीं आपको वही 10 पॉइंट, 11 पॉइंट में होगा, 11 नहीं दसी के बाद, हाँ दसी में, ये आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो भी क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ वृत्त के क्षेत्रफल, वो आपको टर्म वन में ही पढ़ना है। और टर्म टू में इधर सम अप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री, ये हाइट एंड डिस्टेंस या 8.1, ये सब आपको टर्म टू में पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन यानी 11 पॉइंट, त्रिभुज को जो भी काटना है नया बनाना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम CSA और TSA, ठीक है, कहने का मतलब पार्श्व क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल और आयतन, आपको टर्म टू में पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी टर्म टू में पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता टर्म टू में पढ़ना है। तो टर्म वन और टर्म टू बता दिए कौन कौन आ रहा है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो टर्म वन में 3, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी हाँ 5, तो 4, 5, 6, 7 यानी कि 7 चैप्टर टर्म वन में, और इधर देखते हैं 8 चैप्टर टर्म टू में। चलिए यानी 7 पढ़ना है टर्म वन में किसी भी तरीके से। अब चलिए हम फिजिक्स में आते हैं, यानी फिजिक्स यानी कि भौतिकी, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्रकाश का प्रावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, बहुत अच्छा, 2 चैप्टर पढ़ना है टर्म टू में, प्रकाश का प्रावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यही। और विद्युत आप टर्म टू में, विद्युत यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, या हाँ ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड हाँ ये मैग्नेटिज्म होता है ना, तो ये आपका पढ़ना है, ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर पढ़ना है फाइनल में फिजिक्स में, और 2 चैप्टर पढ़ना है टर्म वन में, तो अभी वाले बच्चे 2 चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण चैप्टर 1, अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर 2, अधातु अधातु, यानी टर्म वन में 3 पढ़ना है और टर्म 2 में 2, कार्बन था उसके यौगिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, देखिए जो भी जोड़ घटाओ सब, ये 2 ही चैप्टर है और अभी 3 पढ़ना है। चलिए बायोलॉजी, जीव प्रकरम, जीव जनन कैसे करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रावधान, वह 3 चैप्टर टर्म 1 में पढ़ना है
और 3 चैप्टर टर्म 2 में पढ़ना है, नियंत्रण समन्वय अनुवांशिक जैव विकास हमारा पर्यावरण। तो टर्म 1 में टोटल साइंस में कितना पढ़ना है अब हम देख लेते हैं, 3, 3, 6, 2, 8 यानी साइंस में टर्म 1 में आपको पढ़ना है 8 चैप्टर, कितने 8 चैप्टर पढ़ना है टर्म 1 में। अब चलिए अब किसी और की तरफ आते हैं, चलिए हिस्ट्री, बोरिंग लगता है ना बाबू हिस्ट्री सुन के, तो पुष्पा राज जैसा तो नहीं पढ़ा सकते हैं, झुकेगा नहीं। चलिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, 3 नहीं है 2 पढ़ना है, 2 अगर 3 में कोई और पढ़ना होगा तो देखा जाएगा, तो हिस्ट्री में 2 पढ़ना है टर्म 1 में। और भूमंडलीय विश्वकृत का बनना, औद्योगिकरण का युग, मुद्रण संस्कृति आधुनिक दुनिया, 3 पढ़ना है टर्म 2 में, ठीक है। तो 2 हिस्ट्री टर्म 1 में, 3 हिस्ट्री का 3 सब्जेक्ट टर्म 2 में, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, 2 ही पढ़ना है। चलिए तो अभी 2 होते हैं और आगे आगे देखो, ज्योग्राफी यानी कि सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, सत्ता की साझेदारी 1, संघवाद 2, लोकतंत्र और विविधता 3, जाति धर्म और लैंगिक जनक 4, तो पहले से 2 और 4 हो गए 6, और इधर क्या है पहले से 3 और इधर हो गए 4, 7, जन संघर्ष और आंदोलन, राजनीतिक दल, लोकतंत्र परिणाम, लोकतंत्र की चुनौतियां, ये जितने नाम लिए टर्म 2 का है, T2, ये T1 है, ये T2 है। हाँ अभी टर्म 1 में टोटल 6 हुए। चलिए अब उसके बाद ज्योग्राफी में फटाफट, संसाधन विकास, वन और वन्य जीव में संसाधन, जल संसाधन, कृषि, ये पढ़ना है आपको, टोटल आपको पढ़ना है 4 इधर, ज्योग्राफी में टर्म 1 में 4 यानी कि पहले से 6 और अभी 4, 10 चैप्टर आपको टर्म 1 में पढ़ना है। और 3 अब इधर 3 बचा, खनिज और ऊर्जा संसाधन, विनिमय, उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन रेखा, ये आपका 3 हो गया। तो 3 से समझ गए कितना होगा, वो आपका हो गया उधर, ये 10 टोटल टर्म 1 में, टर्म 2 में पढ़ना आपको इधर 3, 3, 4, 7, 7, 3, 10 यानी इधर भी 10 उधर भी 10, ठीक है। तो 10 आपको टर्म 1 में, 10 आपको टर्म 2 में, खत्म। चलिए अब कौन सा बचता है, सिलेबस कॉमर्स एक्ट, अगर किन्हीं को कॉमर्स एक्ट अकाउंट लिए हैं 10 में तो वो भी आप दे सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं अपने से। हाँ ए लेटर टू गॉड इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ए लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ट्रम्प ऑफ सर्जरी, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, देखिए नेल्सन मंडेला, ए टाइगर इन द जू, द थीप्स स्टोरी, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 1, हिज फर्स्ट फ्लाइट पार्ट 2 एंड द ब्लैक एरोप्लेन जो चैप्टर 8 है, हाउ टू टेल विंड एनिमल्स चैप्टर 9, द मिडनाइट विजिटर चैप्टर 10, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ये सब आपको पढ़ना है, जितने भी नाम लिए ये सब आपको टर्म 1 में पढ़ना है। हाँ यानी कि 11 हुआ और 11 के बाद हम और आगे जाते हैं, चलिए 11 हुआ अब 11 के बाद फाइनल। चलिए अमांडा क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तो 13 हुआ, 13 चलिए नीचे भी होगा यानी 13 चैप्टर है सिर्फ। हाँ अब इसमें 2 बुक है, 1 बुक नहीं है, चलिए 13 है जी। द 100 ड्रेसेज पार्ट 1, एनिमल्स, देखिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सीन पैसेज प्रोज एंड पोएम, देखिए हाँ अनसीन पैसेज फैक्चुअल, अनसीन पैसेज डिस्कर्सिव, हाँ लेटर राइटिंग आपको अनसीन पैसेज भी आएगा, फैक्चुअल डिस्कर्सिव, ठीक है आप लोग इंग्लिश वाले से कॉन्टेक्ट कीजिए बेहतर आपको समझाएंगे। लेटर राइटिंग में आएगा फॉर्मल में, लेटर राइटिंग इनफॉर्मल में, तो बोलिएगा टिक मारने में कैसे, तो आपको वहाँ लेटर दिया रहेगा और फिल इन द ब्लैंक्स कि यहाँ कौन सा वर्ड आएगा उसको चूज कीजिए, वहाँ कौन सा वर्ड आएगा वो टिक करके, यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा या ए बी सी, समझ गए, इसी तरह से रहेगा आप उसको भर लीजिएगा। पैराग्राफ राइटिंग ये पढ़ना है आपको टर्म 1 में, टेंस पढ़ना है टर्म 1 में, सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ना है
टर्म वन में मॉडल्स पढ़ना है, नॉन फिनिट पढ़ना है, काउज पढ़ना है, रिवीजन, ठीक है। तो इतने सारे आपको पढ़ना है सिर्फ टर्म वन में। चलिए अब इसी चीज को उल्टा कर देते हैं और जानते हैं कि टर्म टू में क्या पढ़ना है। तो जो बाकी बचा चैप्टर है वो पढ़ना है टर्म टू में। जैसे सिर्फ 100 डेज का पार्ट वन पढ़ना था टर्म वन में, तो 100 डेज का पार्ट टू पढ़ना है टू में। अब यहाँ पे देख सकते हैं ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पार्ट वन, कोर पार्ट थ्री, द फॉर्म आसाम, द ट्रीज, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, मिजीबी ऑफ अदर, फोग, द नेकलेस, मैडम राइड्स द बस, तो ये सब आपको टर्म टू में पढ़ना है। द हैग ड्राइवर, सीमोन ऑफ बनारस, फॉर एनेगोरी, ठीक है, एनेग्रोगरी, भोली, आपको भोली भी टर्म टू में फाइनल में, द प्रपोजल, द बुक दैट सेव द अर्थ, ऑडियो वीडियो, इंफ्रैक्टिव टॉक टॉक, ठीक है, ये पढ़ना आपको टर्म टू में। कन्वर्सन, डायलॉग, डिस्कशन, डिस्कर्स इन पीर पीर मोड एंड सॉरी पीयर पीयर मोड वाला, तो टीचर्स एंड वेरियस थीम्स, रोल प्ले, शॉर्ट स्पीच एंड स्किल, इंटरव्यू, पीपल एंड पर्सनालिटीज, ये सब आपको टर्म टू में पढ़ना है। देखिए ये यहाँ पे सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एक्टिव, पैसिव, आपको पढ़ना है टर्म टू में, टेंस नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टर्म टू में पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन टर्म टू में, रिवीजन, बस। तो ये था टर्म टू में। तो टर्म वन टर्म टू इंग्लिश का सिलेबस हम कह सकते हैं बड़ा है, तो आप इसको ज़्यादा टाइम दीजिए क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं कटता है। हाँ भैया उर्दू वाले, उर्दू वाला देख लीजिए, नवाए उर्दू, हाँ आपको नवाए उर्दू में क्या देखना है, ठीक है, टर्म वन है, ये टर्म वन है, ये टर्म टू है, नवाए उर्दू, नवाए उर्दू, भोला पढ़ना है, नया कानून पढ़ना है, ठीक है, सर सैयद का बचपन पढ़ना है, चोरी और इसका कफारा भी पढ़ना है, तो ये टर्म वन है। आप उर्दू में टर्म वन इतना पढ़ना है आपको, उसके बाद आप हाँ चकबख्श लखनवी पढ़ना है, उसके बाद गजल में सदा पढ़ना है, गजल में हाँ जोक का गजल को पढ़ना है, जोक का गजल, गजल में ये कौन है, असगर गोंडवी का पढ़ना है, और इसके बाद क्या है, हाली का पढ़ना है, आप लोग ये जितना भी है ये हुसैन जी का पढ़ना है, हुसैन चाचा मां सोच लेना, हुसैन है, हाँ चलिए, तो ये आपको पढ़ना है उर्दू में। उर्दू का टीक निक आप मान लीजिए कि इधर टर्म टू है और उधर टर्म वन है, हमेशा याद रखिएगा, ये टर्म वन है, हाँ ये टर्म वन है, ये टर्म टू है, तो यहाँ उर्दू का भी सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। हकीकत हुस्न पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, ठीक है, वो और देश से आने वाले बता, ठीक है, ये भी पढ़ना है, ठीक है, आपको पढ़ना है रुबाई, आपको पढ़ना है गुलजार, गुलजार उर्दू भी पढ़ना है, ठीक है, गिल्ली डंडा भी पढ़ लीजिएगा, अरे गुल्ली डंडा नहीं जानते, हाँ फकीर भी पढ़ लीजिएगा, ICS पढ़ लीजिएगा, शख या शेख जो भी है, हाँ गुडरी का लाल पढ़ लीजिएगा, उर्दू अदब के तारीख पढ़ लीजिएगा, उर्दू अदब के तारीख में आगाज व इर्तकाह पढ़ लीजिएगा, उर्दू अफसाने का पढ़ लीजिएगा, ये सभी आपको पढ़ना है, कवायद में फेल और इसके किस्में पढ़ लीजिएगा, जमा है या ठीक है, तो तख्लीक है आपके पास सारा चीज, ग्रामर में यहाँ पे ये ग्रामर का पार्ट है, थोड़ा बहुत टाइटल भी रहता तो मज़ा आता, हम देख नहीं सके, अगर उर्दू का फुल डिटेल का वीडियो आपको मिल जाएगा वो आप देख लीजिएगा नेक्स्ट, सिर्फ यहाँ पे
ताजाद भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तजनीस भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हुस्न तखलील, उसके बाद मुहावरा पढ़ लीजिएगा। तो फेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मुहावरा देख लीजिएगा, ये सभी को आपको पढ़ते जाना है। चलिए, तो ये रहा आपके बीच में क्लास 10 का कंप्लीट सिलेबस, जो बनाने में बहुत टाइम लगा, यानी कि 25 मिनट का। तो आपको देखते हैं हम, और इसी तरह 9 क्लास का भी दे देंगे, और 10 का, और 8 क्लास का भी, 12 क्लास का भी, 11। तो 10 का इतना ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कल मिलते हैं नया वीडियो नया सिलेबस के साथ। तब तक के लिए जाओ बाबू, सिलेबस पढ़ो और घर में पढ़ो। चलिए, बाय बाय तो नहीं कहेंगे, जय हिंद।